हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कांदे पोहे। ये एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी डिश है, तो आइए देखते हैं इसे बनाने की एक इजी ब्रीजी रेसिपी। कांदे पोहे बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पोहा, आधी कटोरी मटर, कड़ी पत्ता, तीन चार मीडियम साइज हरी मिर्च, दो चम्मच मूंगफली, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई या सरसों के बीज, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, दो प्याज जिन्हें हम कांदा भी बोलते हैं, दो मीडियम साइज आलू, आधे नींबू का रस और धनिया। इस तरह आलू, प्याज और मिर्च को काट लें। सबसे पहले पोहे को धोकर एक छलनी में निकाल लें। पैन में दो चम्मच तेल गरम करें और उसमें राई, जीरा और कड़ी पत्ता ऐड करें। अब इसमें कटे हुए आलू और मटर डालकर 2 मिनट के लिए ढक दें। अब इसमें डालेंगे मूंगफली और हरी मिर्च। हमारी मूंगफली पहले से रोस्टेड थी, अगर आपकी मूंगफली रोस्टेड नहीं है तो आप इसे आलू से पहले डालें। अब इसे ढक देंगे। हमारे आलू और मटर 50% गल चुके हैं। अब हम इसमें प्याज, हल्दी और नमक ऐड करेंगे। अच्छे से इसे मिक्स करें। तीन चार मिनट प्याज को भुनने के बाद अब इसमें पोहा ऐड करें। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। अब हम इसमें आधे नींबू का रस ऐड करेंगे और अगर आप चाहें तो एक चम्मच टोमेटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। कांदे पोहे तैयार है। अब आप इसे स्प्रिंग अनियन और धनिए के साथ गार्निश करें। अब आप इसे प्लेट में निकाल लें। कांदे पोहे आप सुबह शाम कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ मसाला टी एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाती है, जिसकी रेसिपी मैं कल ही शेयर कर चुका हूं। मैं आप लोगों के लिए वो रेसिपी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इफ यू लाइक दिस रेसिपी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू एंड जय हिंद।